हे नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फायरबोल्ट के अपकमिंग स्मार्ट वॉच के बारे में, जो होने वाला है पर फायरबोल्ट रिंग। और ये जो एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच होने वाला है फायरबोल्ट की तरफ से। फायरबोल्ट का जो अभी रिसेंटली एक स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ था जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच था, जो था यहाँ पर फायरबोल्ट टॉक। और अभी जो है फायरबोल्ट अपना और एक न्यू स्मार्ट वॉच लेकर आ रहा है इंडियन मार्केट में, जो है यहाँ पर फायरबोल्ट रिंग। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको इस वॉच के फुल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको डेली टॉप प्रोडक्ट, बेस्ट डील्स और ऑफर्स वगैरह बताता रहता हूँ। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर फायरबोल्ट का अपकमिंग स्मार्ट वॉच आने वाला है, जो यहाँ पर फायरबोल्ट रिंग। और यार जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट पर लिस्टेड हो चुका है और काफी जल्दी जो है लॉन्च होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम इस वॉच के जो है डिजाइन के बारे में बात कर ले, तो इस वॉच का जो डिजाइन है काफी सिमिलर है एप्पल वॉच से। जो इसका डिस्प्ले का साइज है, स्ट्रैप का जो डिजाइन है वो भी सेम है एप्पल वॉच से। और जो आपको यहाँ पर स्क्रोलिंग बटन दिया गया है वो भी सेम एप्पल वॉच की तरह ही दिया गया है, और उसी प्लेस पर दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि काफी सिमिलर है एप्पल वॉच से स्मार्ट वॉच। और ये वाला जो स्मार्ट वॉच है चार डिफरेंट कलर ऑप्शन में जो है लॉन्च होने वाला है, जो है यहाँ पर ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और रेड। तो ये चार कलर ऑप्शन में जो है ये वाला स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाला है। तो ये वाला जो स्मार्ट वॉच है काफी अच्छे लुक के साथ जो है यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। काफी अच्छा आपको यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, काफी सिमिलर है एप्पल वॉच से। नेक्स्ट अगर हम इसके जो है डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इसमें आपको 1.7 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 2.4D कर्व डिस्प्ले है। और इसमें आपको जो मेन्यू दिया गया है वो जो है काफी सिमिलर है फायरबोल्ट टॉक से, और एप्पल वॉच का जो मेन्यू है उससे काफी सिमिलर मेन्यू आपको इसमें दिया गया है। और इस वॉच में आपको मल्टीपल वॉच फेस भी दिए गए, तो डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेस भी आप इसमें यूज कर पाओगे। तो इस वॉच का जो डिस्प्ले है वो भी काफी बढ़िया होने वाला है। 1.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, मतलब बड़ा डिस्प्ले आपको दिया गया है। 2.4D कर्व डिस्प्ले भी है। तो डिस्प्ले के मामले में जो स्मार्ट वॉच काफी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बैटरी लाइफ के बारे में बात कर ले, तो कंपनी ने उतना ज्यादा यहाँ पर मेंशन नहीं किया है बैटरी लाइफ के बारे में, लेकिन आपको इसमें 7 से 8 दिन का जो है बैटरी लाइफ मिल जाएगा नॉर्मल यूज पर। अगर आप यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह यूज करते हो तो आपको 5 दिन तक का बैटरी लाइफ इसमें मिल जाएगा। तो बैटरी लाइफ के मामले में जो स्मार्ट वॉच काफी अच्छा होने वाला है, काफी अच्छी बैटरी लाइफ आपको इसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर कुछ फिटनेस रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात कर ले, तो इसमें आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। इसमें आपको 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह के आपको 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं जो कि आप अपने एक्टिविटी के हिसाब से यूज कर पाओगे। और बात करें तो इसमें आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर भी दिया गया है, SpO2 भी मिल जाएगा ब्लड ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए, स्लीप मॉनिटर का भी ऑप्शन दिया गया है, गाइडेड ब्रीदिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और इस वॉच में आपको सभी टाइप के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, जो भी नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन में आते हैं वो सभी नोटिफिकेशन आपको वॉच में भी देखने को मिल जाएंगे। और ऑब्वियसली आपको यहाँ पर कॉल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो वॉच के थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉल्स वगैरह भी कर सकते हो। इसमें आपको डायल पैड भी मिल जाएगा, डायल करके आप यहाँ पर कॉल वगैरह भी कर सकते हो, रिसेंट कॉन्टैक्ट देख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सभी यहाँ पर वॉच में देख पाओगे अगर आप ब्लूटूथ की मस्ती से कनेक्ट कर लेते हो तो। और इस वॉच के थ्रू जो आप यहाँ पर म्यूजिक और कैमरा कंट्रोल भी कर पाओगे। और ये वाला जो वॉच होने वाला है IP67 वाटर प्रूफ होने वाला है। और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें, तो इसमें आपको वेदर अपडेट का भी ऑप्शन दिया गया है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, अलार्म और स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर वॉच के फीचर्स के बारे में बात करें, तो स्मार्ट वॉच जो है काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। वॉच का आपको यहाँ पर डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है, मेटल बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और वॉच का जो डिस्प्ले है वो भी जो है काफी अच्छा है, HD डिस्प्ले आपको दिया गया है। और डिस्प्ले का साइज भी जो है काफी बड़ा दिया गया है, 1.7 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और इसका जो सबसे मेन हाईलाइट फीचर होने वाला है वो यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग। ये वाला स्मार्ट वॉच जो है ब्लूटूथ कॉलिंग के सपोर्ट के साथ आने वाला है, और हेल्थ रिलेटेड फीचर भी आपको इसमें ठीक ठाक दिए गए हैं। तो स्पेक्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट वॉच जो है काफी बढ़िया होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करें, तो इसका जो प्राइस है अभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन हम स्पेक्स वाइज देखें तो ये वाला स्मार्ट वॉच जो आपको 4,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि ले फायरबोल्ट के जितने भी स्मार्ट वॉच है वो 4,000 या फिर 5,000 रुपए के बीच में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो शायद से ये वाला स्मार्ट वॉच भी आपको 4,000 रुपए के आसपास ही देखने को मिल सकता है। और लास्ट में अगर इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें, तो अभी कंफर्म नहीं है कि स्मार्ट वॉच जो है कब लॉन्च होने वाला है। अभी फिलहाल तो जो अमेजोन की वेबसाइट पर लिस्टेड हो चुका है और काफी जल्दी आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। जैसे इसका लॉन्चिंग डेट और प्राइस कंफर्म होता है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये थे इस स्मार्ट वॉच के कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपना ओपिनियन भी आप मुझे दे सकते हैं कि आपको वॉच कैसा लगा, किस प्राइस रेंज में जो ये वाला स्मार्ट वॉच लॉन्च हो सकता है, आप नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना।